कहते कुमुद वन में कुमुद वन कृष्ण जल विहार करते थे। यहाँ पर कुमुद वन में कहते यहाँ पर सरोवर में चार तरह का कमल खिलता है। कितना तरह के? चार। एक नील कमल है, एक श्वेत कमल है, एक पीला रंग का कमल है और एक लाल रक्त कमल है। चार तरह का कमल फूल खिला रहता है। चार तरह का कुमुदनी भी, चार तरह का कुमुदनी भी फूल खिलता है। इसीलिए कभी कभी रात ए बच्चो ए उधर बात मत करो। इसलिए कभी कभी ठाकुर जी ये कुमुद वन में जल विहार करते थे। इसलिए जल विहार करते करते कभी कभी राधा रानी चोर बनती, कभी कृष्ण भी चोर बनते हैं। जब राधा रानी चोर बनती है, हैं राधा रानी कभी, और कृष्ण जाकर के पानी में छुपते हैं और राधा रानी को ढूंढ करके ऊपर निकालना पड़ता है। इतने में कृष्ण जा करके चार तरह का कुमुद का फूल खिला हुआ है। इतने में कृष्ण जा करके ऐसे फूल को बीच में जाकर छुप जाते हैं। एक नील कमल है, नील कमल और नील रंग का कुमुदिनी भी होता है, हैं उसी को बीच में जाकर कृष्ण छुप जाते हैं। और कैसे छुप जाते हैं? जैसे अपना मुंह को ना कहते ना नम पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज। भगवान का मुख कैसे? मुख कमल, नाभि कमल, चरण कमल, कमल कमल कहते हैं ना। इसलिए कृष्ण जाकर ऐसे खड़े होकर कमलों का बीच में अपना मुंह कैसे कर देते हैं और कमल फूल और कुमुदिनी फूल और कृष्ण का जो मुंह बराबर हो जाता है। अभी राधा रानी ढूंढते श्याम सुंदर का, श्याम सुंदर का ढूंढते ढूंढते श्याम सुंदर कहीं मिलते नहीं। जब श्याम सुंदर माता जी वहाँ क्या कर रहे हैं बच्चों को? ए बच्चे बात मत कर, उधर जा, ए उधर के पैसा दे रहे हो, पैसा दीजिए, बेची बेची पैसा आ चे हमारे दाव और कथा बोले ना। अभी भाई आता हूँ मैं। ए बात बच्चे की बात क्यों कर रहे हो? उधर से कथा बोले ना। ए तुम ही कथा बोल दो भैया, चुप चुप रहो। ए बच्चों नीचे नीचे भगा दो उनको। इसलिए अभी राधा रानी ढूंढते ढूंढते मिलते नहीं कृष्ण। जब कृष्ण नहीं मिलते हैं तब राधा रानी कहते हैं श्याम सुंदर आपको ढूंढ ढूंढ कर मैं पागल हो गया, आप मिल नहीं रहे हो, आप कृपा करके दर्शन दो। कृष्ण फिर नील कुमुद पुष्प के अंदर से कृष्ण प्रकट होते। अभी कृष्ण जो बनते चोर, अभी राधा रानी जाकर छुपती है, बल्कि इसमें छुपती है कितना तप्त कांचन गौरांगी। राधा रानी का जो रंग है वो कैसे है? तपे हुए सन के जैसे। राधा रानी जा करके जो पीला जो कमल है, पीला रंग का जो कुमुद फूल है उसको अंदर में राधा रानी छुपती है। वो भी जाकर कुमुदिनी को अंदर मुंह को ऐसे करके राधा रानी खड़ी हो जाती। कृष्ण ढूंढते अभी ढूंढते ढूंढते फिर राधा रानी मिलती नहीं। फिर श्याम सुंदर कहते हैं राधे मैं हार गया हूँ, तू जीत गए, तू प्रकट हो। फिर राधा रानी कुमुद पुष्प से फिर प्रकट होती, इसलिए इसका नाम कुमुद वन। इसलिए जब हम नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं कहते श्री कौन सा राजा समुद्र समुद्र से वहां पर कहते ना समुद्र सेन राजा ने राधा कृष्ण को कुमुद वन में उनका जल विहार करते हुए दर्शन किया। कुमुद वन में उनको दर्शन देते हैं, यही कुमुद वन है। इसी कुमुद वन में उनको दर्शन देते हैं। अभी जो यहाँ पर देखे इसका नाम गंगा सागर है। इसका नाम क्या है? गंगा सागर। वहाँ पर कपिल मुनि का वहाँ पर आश्रम है। कहते जो गंगा सागर है कहते कृष्ण जब समय प्रजावासियों को जिस समय कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, नंद बाबा ने संकल्प किया था मेरे घर में एक लाला हो जाएगा ना, मैं सारे तीर्थ जाकर दर्शन करूँगा सारे तीर्थ में। अभी कृष्ण जन्म हो गए तो उनको सारे तीर्थ दर्शन करनी चाहिए, हैं दर्शन करनी चाहिए ब्रजवासियों को। इतने कृष्ण ने देखा भैया देखो ये ब्रजवासी कितने भोले वाले, वो कहते हैं कहाँ जाएंगे? केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री रामेश्वर झूला और रामेश्वर कहते मान क्या सारे मानसरोवर मानसरोवर कैलाश मानसरोवर कहते ये गंगा सागर जाएंगे दर्शन करने के लिए। देखो ये कितने भोले वाले हैं। भैया गंगा सागर है क्या चीज? गंगा सागर क्या है? जहाँ गंगा जहाँ पर सागर मिलती है वो गंगा सागर है ना। ये गंगा है कौन? कहते मेरे जो अंश के जो बामन देव उनके चरणामृत ये गंगा है, उनके चरणामृत ये गंगा है, हैं? इसलिए केदारनाथ बद्रीनाथ है कौन? बद्रीनाथ कौन है? कृष्ण का अंश है। और केदारनाथ कौन? शंकर जी बोले मेरे सेवक है। बोले ये गंगोत्री यमुनोत्री कौन है? कहते ये मेरी तो सेविका है और मेरी पटरानी मेरी ये सखी है। कहते
कहते कि इनके ये सबके सब मेरे सेवक हैं और ये लोग चाह रहे कहाँ गंगा सागर जाएंगे, कहाँ गंगोत्री यमुनोत्री जाएंगे। इसलिए कृष्ण उनको तो एक तो कामे वन में ले गए, वहाँ पर सारे तीर्थ को उन्होंने आह्वान किया तो सारे तीर्थ प्रकट हुए। उसी तरह यहाँ पर भी कहते जो गंगा सागर है, क्योंकि जैसे कृष्ण कौन है, कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण जैसे सारे कारणों का जो मूल कारण कृष्ण है, उसी तरह कहते जो धाम है ना, उसी तरह सारे कारणों का कारण श्री ये ब्रज धाम। इसलिए बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ केशव के कली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिन की द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। कहते स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानते नहीं हम श्री वृंदावन वासी है। सब अब वृंदावन वासी है, सबके सब श्री वृंदावन वासी है। कहते यहाँ कण कण में है प्रयाग है, केशव के कली कुंज कोटि कोटि काशी, एक काशी नहीं करोड़ों करोड़ों काशी है, गोपिनी की द्वार पे बसत है हरिद्वार, गोपिनी की द्वार पे सारे हरिद्वार निवास करता है। इसलिए जितने अनंत करोड़ जितने सारे तीर्थ स्थान निवास करता है, सबके सब श्री ब्रज में ही निवास करता है। इसलिए उसी तरह श्री गंगा सागर भी यहीं पर, कहते ना सारे तीर्थ बारम्बार गंगा सागर एक बार, बस एक बार गंगा सागर हो गया ना, बस सारे तीर्थ मर हो गया गंगा सागर हो गया। तो इसलिए कहते जो गंगा सागर है, कहते ये इसका इतना महत्व क्यों, कहते गंगा सागर का इतना महत्व क्यों, बोले जिस समय सगर महाराज का जितने संतान लोग थे वो कपिल मुनि की अभिशाप से उनका दृष्टि से कोप दृष्टि से सबके सब जल कर राख हो गए, ये सबके सब जल करके राख हो गए। तब उन्होंने कपिल मुनि को बोले हमारे पूर्वज लोग उधार कैसे हो, ऐ कथा सुना ध्यान से, इसलिए कैसे हमारे पूर्वजों की उधार कैसे होगा, बोले उधार हो सकता है अगर गंगा देवी अगर आ गई ना, फिर गंगा देवी का स्पर्श से इनका उधार हो जाएगा। इसलिए इनकी जितने पूर्वज लोग थे दिलीप सगर और इनका अंशुमान, इन लोगों ने कठोर तपस्या की गंगा देवी की, किसी तरह से गंगा देवी को लाए और हमारे पूर्वज उधार हो, और लोग हाहाकार करते थे, ये गंगा सागर वीडियो है उसमें हाहाकार कर रहे, हमें बचाओ किसी तरह से हमारे उद्धार करो, हम ऋषि के अभिशाप से चल कर खत्म हो गए, हम बड़े दुख कष्ट पा रहे, उद्धार करो हम उद्धार कर, चिल्ला चिल्लाए करते थे इतने में। लेकिन इन लोगों ने कोई भी गंगा को नहीं ला पाए, लेकिन जब भगीरथ आए, भगीरथ ने देखा हमारे पूर्वज लोग कितने दुख कष्ट पा रहे, और फिर पूर्वज हम बैठ करके राजभोग करेंगे नहीं, जब तक इनको उद्धार नहीं कर लेना हम राज सिंहासन में बैठेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने कोई विषय को भोग नहीं किया, उनने सीधा बचपन में जाकर उनने प्रभु का भजन में बैठी गए, किसको गंगा की देवी को भजन में बैठी गए। इसलिए कारण क्या, बोले पूर्व जितने अंशुमान और दिलीप ये सबके सब आराधना गंगा को की, लेकिन गंगा नहीं आई। बोले क्यों नहीं आई, कहते ये लोग रिटायर्ड लाइफ में भजन किया, ये लोग रिटायर्ड लाइफ में जा करके उन्होंने कोशिश किया गंगा को लाने के लिए। आप जिसको प्रसन्न करोगे कब प्रसन्न होगा, आपका मन जब एकाग्र हो जाए तभी तो प्रसन्न होगी ना, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, मन तो संसार में दे दिया, बीवी को दे दिया, बच्चों को दे दिया, नाती पोतियों को दे दिया, पूरा परिवार में तो मन को दे दिया, फिर भजन कैसे करोगे, आंख बंद करो तो वही बेटा बेटी नाती पोती रील में जो भरा हुआ तो वही निकलेगा ना, रील में तो कचड़े भर दिए सारे, रील में कचड़े भर दिए, फिर तो प्रहलाद महाराज बात कह रहे हैं, हाँ प्रहलाद बच्चों को कह रहे हैं ना, कौमार आचरते प्राज्ञम, जो बुद्धिमान है उनको बचपन से प्रभु की भजन करनी चाहिए। वहाँ पर टीका में विश्वनाथ टाइम कह रहे हैं भैया बुढ़ापा में भजन करना इतना आसानी नहीं, क्योंकि जिंदगी भर जो करोगे रील में जो भरोगे वही तो निकलेगा ना है। लेकिन भगीरथ ने क्या किया, उन्होंने बचपन में उन्होंने अपना इनाल भी उसको नहीं किया, बचपन में कोरे कागज होता है ना, बास कोरे कागज एकदम था, उन्होंने गंगा देवी को ध्यान लगाया ना, माता गंगा प्रसन्न हो गई, प्रसन्न होकर के बोले मैं आ जाऊँगी, कोई चिंता मत कर मैं आ जाऊँगी। लेकिन मेरे दो समस्या है, पहला समस्या मेरे बेग को धारण कौन करेगा, दूसरा समस्या मेरे सब पापी लोग उसमें स्नान करेंगे, मेरे उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने शंकर जी को प्रसन्न किया, कहते मैं धारण कर लूंगा, क्यों गंगा भगवान की चरणामृत है,
अहो भाग्य है, ठाकुर का चरणामृत में धारण करूंगा है। इसलिए दूसरा है कि जो पापी लोग स्नान करेंगे उसको उद्धार कैसे होगा, मतलब बड़े बड़े साधु भी जन्म ग्रहण करने वाले, इसलिए बोले तीर्थानी साधु अभी इतने शक्ति, क्योंकि इनके हृदय में भगवान की निवास होता है, इसलिए जब ये गंगा को स्पर्श करते हैं ना, इसलिए बोले गंगा र परस हैले पश्यते पवन दर्शने पवित्र कर तो मार्गुना, गंगा में नहाने पर पवित्र होते हैं, लेकिन गंगा केवल वैष्णव का दर्शन मात्र भी पवित्र हो जाते हैं, मतलब जब उनकी चरण स्पर्श होएगा ना, गंगा के सारे कितने पाप को वैष्णव लोग ग्रहण कर लेंगे, और गंगा बोले फिर तुम्हें आऊंगी, बोले शंकर जी मेरे को धारण कर लेंगे, बोले हाँ, बोले शंकर जी को बोलना ठीक से खड़े रहे ना, ठीक से खड़े रहे, नहीं तो इतने तेज मेरी बेग है ना, आप लोग गंगोत्री कहीं गए हो, गंगोत्री कौन कौन गए, कोई नहीं गए हो, मोहित प्रभु जाना चाहते हैं बताओ, मोहित प्रभु आप तो गए थे, जहाँ मूल गंगोत्री ना, जहाँ से मूल गंगा निकली हुई, शायद आप लोग गंगोत्री जाते हैं, लेकिन बीच से ना उसको आगे और 14 किलोमीटर है, पैदल में जाना पड़ता है, बड़ा कठोर रास्ता है, हाँ गोमुखी है, वहाँ पर जो गंगा पड़ती है ना, धार विशाल तरह से गंगा, हाँ गंगा बड़ी तेज उसमें एकदम कलकल नाद से बह रही है, वहाँ पर बड़ा प्रखर तेज उसकी है, भले शंकर जी को सावधान कर देना, नहीं तो उनको समय तो पाताल में ले जाऊंगी, लेकिन शंकर तो भगवान के हृदय में धारण करने हैं, भगवान की परम भक्त है, बोले बोल दो गंगा को जितने ताकत लगा दे, इसलिए गंगा जी त्रिशूल लेकर के, शंकर जी त्रिशूल लेकर के एकदम प्यार जमा करके खड़े कर दिए, इतने में गंगा बड़ा तेज से हाँ कलकल नाद से आई, जब आई आ करके शंकर जी जटा को ऐसे फैलाए ना, गंगा आकर उसको अंदर में घूमते रह गई, उसको रास्ता ही नहीं मिला, जटा में उन्होंने पूरा पकड़ लिया गंगा जी को है। इसलिए फिर भगीरथ ने प्रार्थना की, फिर गंगा की एक धार निकली, फिर गंगा की इतना पवित्रता देखो, कितने हजार साल पहले इनकी पूर्वज लोग हैं सगर महाराज के बच्चे सब के सब खत्म हो गए थे, मिट्टी तक भी राग हड्डी तक कुछ नहीं था, लेकिन गंगा की इतनी पवित्रता, इतने पवित्रता, जब गंगा केवल उसको ऊपर देख रहे चली गई ना, बस सारे पूर्वज को उधार हो गए, सारे पूर्वज को, इसलिए कहते सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, इसलिए जो है ना, जैसे कृष्ण को अंदर में विश्व ब्रह्मांड सारे 33 करोड़ देवता, ब्रज धाम में ही सारे तीर्थ विद्यमान, इसलिए यहाँ पर ये गंगा सागर है, अगर इसको कोई आचमन कर लेना, गंगा सागर नहीं उससे भी ज्यादा महत्व इस जल की, जैसे कोई तरह चलो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कितना दूर है, लेकिन यहाँ पर आदि बद्री है, आदि केदारनाथ है, हम लोग जाएंगे कामवर वन में जाएंगे, ये आदि है, अगर इसको दर्शन कर लिया तो वो जो शाखा है ना वो शाखा है, लेकिन ये आदि है, ये आदि बद्री आदि केदार है, इसलिए उसी तरह ये जो गंगा सागर ये आदि है, क्योंकि ब्रज है ये साधारण भूमि है नहीं, अगर इसमें आचमन कर लिया ना बस गंगा सागर हो गया, विश्वास हो कि नहीं, लेकिन तब भी बोले नहीं गंगा सागर जाएंगे गंगा अब वहाँ पर गंगा सागर जिसे लोग जाते हैं ना, अब सोचते पायखाना क्या होता होता है, वहाँ बहती पायखाना, वो पायखाना पानी में डुबके लगाना पड़ता है, लेकिन लोगों को ना इसमें भी आकर के लोगों का विश्वास, जब तक तो बड़ी दूर कहीं नहीं जाएंगे ना, बोलेंगे हमने कुछ किया ही नहीं, बोले जो गधा ना गधा गर्मी में क्या करता मोटा हो जाता है, बोले क्यों, बोले बाबा रे 1-2-3 किलोमीटर हमने घास खा लिया, पीछे मुड़ कर देखता है वो भी खा लिया, इतना मोटा हो जाता है, अभी जब तक दुनिया घूम नहीं लेते है ना, इसलिए कहते कपिल मुनि का आश्रम यहीं पर है, क्योंकि कपिल मुनि जो माता देवती को उन्होंने उपदेश दिया है, हाँ वो अद्भुत उपदेश है, माँ स्वयं कहते बोले बेटा स्त्री जाती है हाँ, संसार का ज्यादा बोझ किसको पर में, पुरुष लोग तो पैसा कमा कर दे देते हैं, फिर संसार का देखना जितने सारे दिमाग का चलाने वाले कौन है, माताएं हैं, कहते हमारा मन बड़ा चंचल है, चंचल है कि नहीं माताएं बोलो, कहते कभी पियर में कभी बेटा में कभी नाती में कभी पति में कभी पुत्र में, हमारा माइंड दिमाग तो उसमें ही घूमती रहती है, हमारे दिमाग सारा दुनिया बताओ चंचल मन को हम कैसे भजने में लगाए, तो भगवान कपिल देव ने बोले माँ मन एवं मनुष्य नाम कारण मोक्ष बंधन, मन ही यही बंधन का कारण, यही मन ही मोक्ष का मुक्ति का कारण, यही मन को जब भगवान की शरण में लगा चरण में
मुक्ति का कारण बन जाएगी। जब विषय में लगाएंगे जब बंधन का कारण बनेगा। इसलिए माँ क्या करो, मन को प्रभु की चरण में लगा। बोले बेटा इतना आसानी नहीं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे करे भजन करो। बोले माँ और सबसे सरल उपाय मेरे भक्तों का संग करा। इसलिए सतान प्रसंगात मम विज्ञ संविदो भवति कर्ण रसाय कथा ताज्जो सना आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति। सबसे जो सरल उपाय वैष्णव संग, वैष्णव संग है। अगर वैष्णव संग हो गया ना समझते बास। बोले कोटि सुकृति अभी न लभ्यते, भक्ति सुकृति को द्वारा होता है, लेकिन करोड़ों सुकृतियों को द्वारा जो चीज प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर सचमुच से हमें कोई कृष्ण रस भाविता मती कोई भक्त अगर मिल गया, बस हमारे कल्याण हो जाए। मूल है, सबसे जो मूल है क्या है, भक्तों का संग है। इसलिए बोले रहु अरी न तपस्या, तपस्या से भगवत प्राप्ति नहीं, न जाति, जाति से नहीं, न इजे या पूजा पाठ से नहीं है, न निर्वात न गृहत वा घर छोड़ देने पर नहीं होगा, वेद पढ़ने पर नहीं होगा, अग्नि पूजा से कुछ नहीं होने वाले, सब मना कर दिया। बोले बिना महत्व रजो अभिषेकम, जब महत्व पुरुषों का संग नहीं होना, कुछ भी कुछ करने वाले नहीं, कुछ भी कुछ नहीं सकता है। देखो कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ में, कुछ रशिया और कुछ ब्राजील, अलग अलग जगह से आए, इतने दूर से होते हुए भी देखो तिलक गले में कंठी माला, लेकिन देखना कुछ ब्रज में भी लोग रहते भूखा फा रहे हैं है? लेकिन गले में कंठी तुलसी तिलक रही। बोले क्यों, जो भैया ब्रज में रह रहे, ब्रज में रहते हुए क्यों नहीं हुआ, वो विदेश में रह कर क्यों हो गया, इतने दूर में रहते हुए भी साधु संग मिला, संतों की संग मिलेगा। इसलिए कहते माँ अपवर्ग वर्तमनी, पवर्ग मतलब वैष्णव का संग करने से, प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेन, ब मतलब व्यर्थता, भ मतलब भय, म मतलब मृत्यु। कहते माँ अगर वैष्णव का संग हो गया ना, ये सारी भवसागर तेरे पार हो जाएगी, ये सारी चीज तुम्हारी खत्म हो जाएगी, और एक दिन श्रद्धा रति और भक्ति कृष्ण प्रेम में एक दिन तू डूब ही जाओगे। मैं नहीं क्या है, भगवत भक्ति ही मैं। इसलिए कपिल मुनि ने माँ देवती को ये सारे उपदेश उन्होंने प्रदान किया है, अद्भुत उपदेश है उनकी, अद्भुत उपदेश है। और उन्हें सारे उपदेश देख जब दिया ना माता देवती, तो कथा सुनते 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 पूरा डूब गई। उसके बाद में शरीर में कपड़ा है कि नहीं उसको पता नहीं, हाँ एकदम बाबरी बन करके, हाँ कृष्ण करते 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 बस एकदम कृष्ण कथा में पूरा डूब गई। अब भगवान ने लास्ट में कहते बोले माँ अहो बत सपोच अतो गरियान जत जुहागे वर्तत नाम तुझ। बोले माँ बोले संपूर्ण जिहा नहीं, जिसकी जिहा की अग्रदेश में, जिहा की अग्रदेश में जो भगवान का नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। कहते जिसका कल जिह्वा के अग्रदेश में भगवत नाम जो उच्चारण करता है, क्या समझो पूर्व जन्म में चार काम करके आए। बोले चार काम क्या करके आए, बोले सारे तीर्थ घूम चुके हैं, सारे तीर्थ घूम चुके हैं, तीर्थ सारे तपस्या कर चुके हैं, सारे दान कर चुके हैं, और सारे यज्ञ कर सकते हैं, सारे यज्ञ कर चुके हैं। केवल जुहा की अग्र में जिसका नाम उच्चारण होता है, बोले अहो अहो मतलब होता है वो आश्चर्य होकर कह रहे हैं, जो भगवत नाम उच्चारण करते कितने सौभाग्य। कहते भैया जिसका जिह्वाग्र में प्रभु का नाम हो इतना महिमा, जिसका पूरा जिह्वा ही कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। बोले भैया उसका महिमा क्या बताएंगे। बोले दोनों हाथों से जो गोविंद का सेवा करता है, बोले और भाग्यवान। बोले दोनों कानों में जो कथा सुनते हैं, और भाग्यवान। बोले दोनों जिह्वा में जो कृष्ण कीर्तन, बोले और भाग्यवान। और जो प्यार से जो ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं, बोले बाबा रे इनका तो सौभाग्य हम बता ही नहीं सकते, ये लोग कितने सौभाग्यवान, इनकी महिमा तो बता ही नहीं सकते जो ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहे हैं। ये भगवान कह रहे हैं, भगवान खुद ये बात कह रहे हैं। इसलिए माँ को, इसलिए माँ सुपाच अभी महिपाल, अगर चंडाल कुल में क्यों जन्म नहीं हो, अगर प्रभु का नाम कीर्तन करता है
एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। क्यों? भगवान की नाम उच्चारण करता है, भगवान की नाम उच्चारण करता है। इसलिए माँ को बड़ी अच्छी अच्छी बात बताए और सारे उपदेश देकर कहाँ गए? यहीं पर आए। इसलिए वो कपिल भगवान की आश्रम आश्रम है, इसलिए गंगा सागर में चले गए। लास्ट में साल में मकर संक्रांति का दिन एक अद्भुत चीज है, वो पूरा उनका विग्रह मंदिर पूरा डूबा हुआ रहता है, लेकिन मकर संक्रांति का दिन है ना, वो पानी अपने आप नीचे उतरता है, पानी अपने आप नीचे उतरे उतर करके केवल साल में एक बार दर्शन करता है भगवान का। अपने आप पानी उतरा जाएगा, और इसलिए सबके सब मकर संक्रांति का दिन कहाँ क्या करते हैं, सबके सब मकर संक्रांति का दिन गंगा सागर जाते हैं स्नान करने के। कपिल भगवान की जय, गंगा सागर की जय, श्री कुमुद बन जय, पिता गौर प्रेमानंदे।